नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, दिन पो दिन भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं सलोनी से मिलने। वायरल गर्ल अभी काफी पॉपुलर है। अजीत भाई को थोड़ा सर्दी हो गया है। गाइस अभी आ रहे हैं निशा भैया और हम लोग साथ में जाएंगे सलोनी के घर। और उनका सर्दी जो है वो रुक नहीं रहा है, इसलिए लाइक करिए, लाइक करने से ठीक हो जाएगा इनका सर्दी। और बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं सलोनी से पहली बार मिलने जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने एरिया से सलोनी वायरल हो रही है, आपको मतलब कैसा लग रहा है अपने एरिया को लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। जिस गांव को लोग नहीं जानते थे वो आज जान रहे हैं सलोनी के ही नाम से, जिस स्कूल को नहीं जानते थे सलोनी के नाम से जान रहे हैं। और सलोनी के विद्यालय अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, वो अपने नाम से अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। और सलोनी के विद्यालय तो आप देखे ही होंगे कैसा है। बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूल के बारे में? गवर्नमेंट स्कूल है वो, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं होता है, जितना बंदोबस्त जिस तरह से किया गया के साथ बनाया गया है। हम तो निकल चुके हैं सलोनी से मिलने के लिए। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो डांसिंग कार जैसे बन गई है। तो बिल्कुल इसको गलत ना सोचें, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव में रोड ऐसे ही होते हैं, तो गाड़ी का तो डांसिंग कार बनता ही है। जैसा कि हमें अपडेट मिला था कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सलोनी बहुत वायरल हो रही है अपने नशा मुक्ति के गाने से, तो हम सब भी बेसब्री से काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें भी मिलने का मौका मिलेगा। और फाइनली हमने जब प्लान किया तो आज के दिन हम जा रहे थे सलोनी से मिलने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं सलोनी के घर पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ अरविंद भैया हैं और साथ में पीछे नित्या भी अभी आ गए हैं। तो अभी पीछे आप देख सकते हैं सलोनी का घर है। सलोनी का स्कूल से छुट्टी होगा, अभी वो आ रही है, तो फिर हम लोग बात करते हैं। आज के दिन सारे यूट्यूबर्स और सारे व्लॉगर्स यहाँ पर पहुँच गए थे और सब एक दूसरे के साथ मिल करके काफ़ी सारी फोटोज क्लिक की, वीडियोज बनाए और ढेर सारी मस्ती भरे बातें की। साथ में हमारे साथ नित्या भैया थे, तो इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को गाइड भी किया कि आखिर उनके चैनल पर और कैसे कैसे काम करने चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्रिएटर्स को हेल्प करते रहते हैं। अब लीजिए हमारे अरविंद भैया भी मिल गए। अब ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, इन्होंने अभी अपने बात रखना चालू कर दी, हमारा तो सर पकाते हैं बहुत। हम यहाँ पे सलोनी से मिलने हैं, सलोनी का इंटरव्यू लेने हैं, सलोनी से सवाल पूछने हैं, उससे बातचीत करने हैं। तो अरविंद भैया ने मेरे को ही बोला कि नहीं, सबसे पहले वीडियो एक मेरे साथ बनाएंगे। तो उन्होंने एक मेरे साथ पहले वीडियो शूट की प्लानिंग की और मुझे बताया, फिर हमने एक वीडियो शूट किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए YouTube चैनल। अब चलिए, हमारा स्पेशल इंटरव्यू तो शुरू हो चुका था, यहाँ पर सवालों की भीड़ लगने वाली थी और भैया ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि कहने का नहीं। मैं जवाब दे तो रहा था पर मन में ऐसा लग रहा था कि कहीं सैलरी ना पूछ दें, क्योंकि कमाना धमाना है नहीं हम लोगों का और इंटरव्यू देने पहुँच जाते हैं हम लोग। साथ में व्लॉगर लोगों को तो पता ही, स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग पीरियड कितना डिफ़िकल्ट होता है कि एक व्लॉगर कैसे अपना चैनल खड़ा करता है। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। मेन चैनल को तो सपोर्ट कर ही रहे हो, कम से कम इस चैनल को भी सपोर्ट करो ताकि सलोनी का जो वायरल वाला सॉन्ग है ना वो भी सुन सको। और देखो भैया के सवाल और मेरे जवाब दोनों ने इनको हिला डाले हैं। और ये सारी वीडियोस उनके चैनल पे ही मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं अपलोड कर रहा है, मैंने बस ये वॉइस ओवर करने के लिए ये वीडियो क्लिप ले लिया था। सो गाइज, अभी हमारे साथ सलोनी के घर पे बहुत सारे ब्लॉगर और बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे विराट भैया और KR पंकज ब्लॉग्स, और साथ में हमारे टीम के भी लोग हैं यहाँ पे जो साथ में अभी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आए हुए सलोनी से मिलने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बस सिर्फ वहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर उनको सलोनी को कुछ ना कुछ मदद करना है। मदद करिए तो क्या, सलोनी को सिर्फ गिफ्ट देने से तो नहीं होगा ना, उनके ओरिजिनल चैनल को सपोर्ट बता रहा हूँ। अगर गिफ्ट देने से अगर कुछ होता तो भाई रानू मंडल का भी अभी तक कुछ हो गया होता। नहीं, ये वही हाल होगा जिसे रानू मंडल का हुआ था। तो भाई ऐसा मत किया जाए, जेन्युइन सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सपोर्ट करिए, उनको एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए। यूट्यूब चैनल बन गया है उनका, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अभी हमारे साथ एक बिहार के बहुत ही बड़े यूट्यूबर जुड़ चुके हैं। चलिए, जब न्यूज रिपोर्टर्स यहाँ पर आ गए थे सलोनी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो साथ में हमारे साथ थे नित्या भैया, तो उनका भी एक और इंटरव्यू शूट हुआ। साथ में हमें भी कैमरे के सामने आने का मौका मिला ताकि हम भी फेमस हो सकें। और यहाँ पे भी सवालों के ढेर थे और भैया ने भी काफी बेसब्री से इन सब का जवाब भी दिया है, काफी सटीक जवाब दिया है ताकि सब लोग समझ सके, क्योंकि भैया एक काफी पहले से यूट्यूब पर 7-8 साल इनको करीबन हो गए काम करते हुए। अब देखो, मैंने व्लॉग तो स्टार्ट
स्टार्ट किया था सलोनी से मिलाने के लिए, लेकिन हमारा टाइम तो इधर में इतना चला गया ना कि हमें शाम हो गया वीडियो शूट करते करते, और क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर तो सब इंटरव्यू ले रहे थे। अब हम लोग तो कब से वेट कर रहे हैं कि अब मिलेंगे, लेकिन हमने फाइनली बात कर ली कि अब हम एक स्पेशल इंटरव्यू करेंगे जिसमें सलोनी से वो सारे सवाल हम लोग पूछेंगे जो कि किसी भी मीडिया ने और किसी भी ऐसे ब्लॉगर ने नहीं पूछा हुआ। तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट करना, ताकि जो भी एक स्पेशल इंटरव्यू मैं बनाऊँ उसमें वो सारे सवाल मैं सलोनी से पूछ सकूँ। मेरे मन में बहुत सारे फ़नी ऐसे सवाल हैं जो कि किसी ने अभी नहीं पूछा होगा, और वो इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होगा। तो वीडियो को लाइक कर लो, इसमें बस सलोनी का मैं गाना सुना दे रहा हूँ। प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासा नासा छोड़ब की ना, दिन प दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासा नासा छोड़ब की ना। आ तोहरे फिक्रिये भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब की ना, आ तोहरे फिक्रिये भैनी गलल बतासा नासा छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे पत्नी रहेंगी इंतजार में, बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी।